जनपद चमोली में चार धाम यात्रा के चलते खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है और इसके तहत ही कर्णप्रयाग में खाद्य सुरक्षा विभाग के उपायुक्त डॉक्टर राजेंद्र सिंह कठायत ने विभाग की पूरी टीम के साथ खाद्य प्रतिष्ठानों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान उन्होंने मिठाइयों समेत अन्य खाद्य पदार्थों की सैंपल लिए। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। ये जो उत्तराखंड सरकार है और भारत सरकार के संयुक्त सहयोग से चार धाम यात्रा मार्ग के दृष्टिगत लोगों को जो है सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, इसके लिए हमारे जो फूड सेफ्टी कमिश्नर हैं डॉक्टर आर राजेश कुमार, उनके निर्देश पर जो है यात्रा मार्गों पर खाद्य विश्लेषणशाला की तैनाती की गई है। यह विश्लेषणशाला का उद्देश्य ये है कि यात्रा मार्ग में जितनी भी यह होटल, ढाबे और दुकानें स्थित हैं जिनमें मुख्यतः तीर्थयात्री द्वारा खाना खाया जाता है, तो उनकी जो है खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता कैसी है यह मौके पर ही चेक करती है तथा जनता को और दुकानदारों को जागरूक करती है तथा उनको ये भी निर्देशित करती है कि आप अपने दुकानों में, प्रतिष्ठानों में साफ सफाई रखें और गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री का विक्रय करें।